डिफरेंट हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है इतने छोटे बालों में, और काफ़ी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल, वेस्टर्न ड्रेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको पहले अपने इस तरीके से टाउन एरिया के हेयर को छोड़ देना है इस तरीके से, और इसको यहीं पे सेट कर लेंगे पहले। अब आपको बैक के सारे हेयर को लेना है इस तरीके से, पतला वाला रबड़ बैंड लेना है और लगा देना है। फ्रंट के हेयर को ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको एक रबड़ बैंड और लगा लेना है। थोड़ा सा इसमें गैपिंग करनी है, देन इसको इस तरीके से क्रॉस करना है, ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से गैपिंग करके इस तरीके से क्रॉस करना है, और जो आपकी पोनी है वो इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेनी है, और इसको बैक से टाइट कर देना है, और जो साइड से हेयर निकल रहे हैं उनको आप निकाल लीजिएगा। बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की पोनी, और काफ़ी स्टाइलिश भी लगती है, तो आप फर्स्ट हेयर स्टाइल में ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग स्प्रे या फिर क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिप लगा के दिखा दे रही हूँ, वेस्टर्न ड्रेस पे काफ़ी अच्छी लगेगी, तो आप ये ट्राई करके ऑफिस कॉलेज जहाँ भी जाना है आप जा सकते हो। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली यहाँ पे थोड़े से हेयर लेने हैं, आपको यहाँ पे मिरर में दिख रहा होगा, और थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, और एक चोटी क्रिएट करनी है जैसे हम लोग फ्रेंड चोटी करते हैं या टाइगर चोटी, थोड़े थोड़े से लेयर्स इसके साथ ऐड करते जाएंगे। इतनी छोटे बालों के लिए ये वाला हेयर स्टाइल बेस्ट रहेगा। काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, आप इसको ऑफिस कॉलेज कहीं भी जाना है तो आप बना सकते हो, और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। सबसे अच्छी बात की इसमें आपको क्लिप्स वगैरह यूज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बचे हुए बालों को सिंपल सी चोटी बना देंगे एंड तक, एंड पार्ट पे आपको एक रबर बैंड लगा देना है। ओके, आपको थोड़ा थोड़ा सा लूज कर लेंगे। ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया पूरी इतने छोटे बालों में, और काफ़ी अच्छा लगता है ऑफिस कॉलेज कहीं भी जाने वाली लड़कियाँ इसको आराम से बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक रबर बैंड से। तो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और थर्ड हेयर स्टाइल में आपको क्या करना है, इस वाले जो आपने पोनी बनाई है इसको सिंपली ऊपर की तरफ करके क्लिप या किसी भी चीज़ से इस ऊपर में सिक्योर कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका बाकी बचा हुआ हेयर है उसको सिंपली एक रबर बैंड और लगा लेंगे, थोड़ा मोटा रबर बैंड लगाइएगा, रबर बैंड लगा लिया हमने। आप इसको थोड़ा
थोड़ा सा लूज करूँगी, देन यहाँ पे एक हॉल करके सारे हेयर को रबर बैंड के साथ इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि सारा हेयर आपको सेंटर से नहीं निकालना, साइड साइड में एडजस्ट करना है। ओके, इस तरीके से सारे हेयर को एडजस्ट कर लेना है। इस तरीके से करने के बाद फिर आपने जो रबड़ ये जो बनाया था चोटी, इसको सिंपली इसके अंदर या फिर ऐसे करके यहाँ पे सिक्योर कर देना है और यूपिन या बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेट कर देना है। यहाँ से जो हमने हेयर दिया है उसको लेके इसके साथ इस तरीके से लगा देंगे, देन दूसरी साइड से भी लेंगे और इसी पोनी के साथ इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया, काफ़ी स्टाइलिश और अच्छा दिखते हैं। तो आपको कैसा लगा आज का ये तीनों हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। ये आप साड़ी के साथ भी कर सकते हो और वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी। तो ये थे आज के तीन खूबसूरत से हेयर स्टाइल जो कि साड़ी एंड सूट के साथ वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी आप कैरी कर सकते हो। कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छा लगेगा, या फिर आपके इस तरीके से छोटे बाल हैं तो भी आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और ये मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का मेकअप ब्रश, काफ़ी अच्छा मेकअप ब्रश है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको बाय कर सकते हो। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया था और इसमें सारे मेकअप ब्रश दिए हुए हैं और मुझे ये काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, समथिंग एक साल वन ईयर हो गया और ये अभी तक पूरा का पूरा फ्रेश ब्रशेज हैं इसमें। इसमें थोड़े बहुत मैंने प्रोडक्ट्स भी रख दिए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, और आईब्रो जब भी फील करनी हो तो आप जेल आईलाइनर का यूज कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है, आईब्रो नेचुरल दिखती है एंड काफ़ी अच्छा लुक आता है। अगर आपको मेरे मेकअप टिप्स पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं अपनी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ के अंदर ही आपको मेकअप टिप्स और बता सकूँ। और एक भाई है जो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि मैम नॉर्मल चेयर पर वीडियोज़ बताइए, तो डियर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी सिर्फ आपके कहने पर डाल दी है। आप लगता है रेगुलर मेरी वीडियोज नहीं देखते हो, प्लीज़ रेगुलर देखो ताकि आपको समझ में आए किसी हेयर स्टाइल की वीडियोज़ के अंदर ही वो वीडियो है नॉर्मल चेयर पे बनाने वाली, आईब्रो बनाने के लिए पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप जाके प्लीज़ 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 चेक कीजिए और बार बार एक ही कमेंट एक ही रिक्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है उस पर 2-3 बार वीडियोज़ बताई हैं ऐसी सिर्फ आपके कहने पे। आप मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, हो सकता है उस पर भी अपलोड हो। सेकंड चैनल का नेम प्रीत तिवारी 2 है और जो थर्ड चैनल है शॉर्ट्स प्रीत तिवारी शॉर्ट्स वीडियोज़ करके है, उस पर मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और हेयर स्टाइल को इन्जॉय कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।